हेलो दोस्तों, कैसे हो? वेलकम बैक टू माय चैनल विशाल फार्मेसी। जैसे कि आप देख पा रहे हो, नई नई तरह की न्यूज़ निकल कर आ रही है। यूपीपीसी, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, बहुत ही तेज़ी से अब बच्चों के रजिस्ट्रेशन कर रही है। रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड बहुत ही जल्दी तरीके से अवेलेबल करा रही है। उसी के ऊपर एक बड़ी अपडेट आई हुई है, जैसे कि आप साइट पर देख पा रहे हो। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो रजिस्ट्रेशन और ग्रीन कार्ड आया था, उसको रिन्यूअल के लिए पोर्टल पर जारी कर दिया है। वो सिर्फ 31 दिसंबर के लिए अवेलेबल था, तो आपके लिए हमने उन्होंने रिक्वेस्ट अपडेट वो पोर्टल को अपडेट कर दिया है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पे तो आपका रजिस्ट्रेशन होया था, और इस पर रजिस्ट्रेशन पे जाने के बाद आपके ये जो यहाँ पे दस्तावेज दिखे थे, ये डाउनलोड हुए थे। अब आपको बैक आना है, और बैक आने के बाद यहाँ पर जाना है। यहाँ पर जाने के बाद अपना जो आपका ग्रीन कार्ड है, उसको रिन्यूअल करने के लिए ये दोबारा चालू हुई है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके इंट्रक्शन पढ़ लीजिए पहले। नवीनीकरण कार्ड सेवा के लिए निर्देश। रिन्यूअल कार्ड आवेदन पत्र जमा करने के बाद यह सत्यापन के लिए यूपीपीसी लॉगिन पर स्वचालित रूप से भेजा जाएगा, और एक बार सत्यापन हो जाने के बाद आवेदन यूपीपीसी के संबंधित प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए भेजा जाएगा। यूपीपीसी के अनुमोदन का प्राप्त होने पर नवीनीकरण कार्ड आवेदक को लॉगिन डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन उपलब्ध होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो, आपने ऑनलाइन जैसे सब कुछ दस्तावेज अपलोड किए थे, इसी तरीके से आपका ग्रीन कार्ड और रजिस्ट्रेशन अपलोड होगा, और आपको इसी तरीके से ऑनलाइन आपका ग्रीन कार्ड रिन्यूअल हो जाएगा। इसकी जो भी फीस इन्होंने निर्धारित की होगी, वो तो अभी शो नहीं हो रही है, वो बैक करके मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि आप जा रहे हो, बैक आना, और यहाँ पे अप्लाई ऑफ रिन्यूअल। अब आपका ऑनलाइन हुआ था या ऑफलाइन हुआ था, ये थ्रू जो ऑफलाइन है, जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, उसके लिए बहुत ही अच्छी सुविधा चल गई है कि वो ऑफलाइन माध्यम वाले बच्चे भी अपना न्यू रिन्यूअल कार्ड करा सकते हैं। यहाँ पर सुविधा दी गई है। तो हमारा तो ऑनलाइन पोर्टल ऑनलाइन आया था हमारा रजिस्ट्रेशन, तो हम आपको क्लिक करके दिखा रहे हैं। ऑनलाइन वालों को यूपीपीसी पोर्टल पर क्लिक करना है। अब जैसे कि आप आओगे तो आपको ये दिखेगा, ऐसे फार्मासिस्ट जिनका पंजीकरण हमारे पोर्टल के माध्यम से हुआ है, ऐसे ऐसे फार्मासिस्ट जिनका पंजीकरण इस ऑनलाइन माध्यम से हुआ, उनको नवीनीकरण की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी, यानी कि अभी निर्धारित नहीं हुई, और जल्द ही इसकी तिथि और इसके माध्यम से शीघ्र ही जारी की जाएगी। अतः नियमित रूप से हमारे पोर्टल को देखते रहिए। आप बिग अपडेट, तो आपको एक और अपडेट दिखा दे रहा हूँ। जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रजिस्ट्रेशन डेट और अपनी डेट ऑफ बर्थ, और सर्च करने के बाद आपका रिन्यूअल अपडेट होगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूँ आप सभी को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।